16 भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गानों को कविता कृष्णमूर्ति जी ने रिकॉर्ड किया है, जिस गीत के लिए इन्हें प्लेबैक सिंगर के तौर पर पहचान मिली थी। असल में गीत उनकी आवाज में रखा ही नहीं जाना था। फिल्म थी मिस्टर इंडिया। इस गीत में एक मासूम सी गलती भी हुई थी, लेकिन गीत वैसे ही रखा गया। ऐसा क्यों हुआ और वो मासूम सी गलती क्या थी, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। पहले तो ये बताऊं कि इनका नाम कविता था ही नहीं। ये तब बॉम्बे आई थी जब कॉलेज शुरू किया इन्होंने, वहीं पर आकर एडमिशन लिया। इसी कॉलेज में एक फंक्शन में एक गाना गाया, ये था जाइए आप कहाँ जाएंगे। हेमंत कुमार साहब बाद में मिले तो कहा, तुम मेरे साथ स्टेज शो में गाओगी क्या? अब ये तो भला कोई कैसे मना करे और क्यों मना करे। सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन कविता जी जब भी स्टेज पर होती सब तितली उड़ी गाने के लिए कहते। क्यों? क्योंकि इनका नाम असल में शारदा था और तितली उड़ी गीत जो है वो शारदा जी का गीत है। अब ये हर बार एक्सप्लेन करती, मैं नई सिंगर हूँ, मैं दूसरी शारदा हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। अब ये सब जब होता ही चला गया तो हेमंत दा ने कहा, तुम अपना नाम बदलो। और इन्होंने अपने लिए नाम चुना कविता। और वो कहती हैं, ये नाम मेरे लिए बहुत लकी भी रहा प्रोफेशनली। सबसे पहले लता जी के साथ हेमंत दा के ही म्यूजिक में इन्होंने एक बंगाली गीत गाया था और वो गीत था अब वो सिलसिला भी शुरू हुआ जहां कविता जी पहले गाया करती शूटिंग वगैरह के लिए यानी डबिंग आर्टिस्ट, और फिर लता जी फिर उसे गाती या कोई और सिंगर फाइनल एल्बम के लिए। इन्होंने यूं तो कई गीत गाए, लेकिन जो पहला हिट सोलो गीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक में, फिल्म थी 1987 की मिस्टर इंडिया और गीत था हवा हवाई। ये गीत आशा जी गाने वाली थी। फिल्म बहुत बड़ी थी, श्रीदेवी पर गीत फिल्माया जाना था। उस वक्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए हफ्ते में ये 4-5 गीत गाया करती थी, जो बाद में ज्यादातर लता जी डब किया करती थी। अब इस गाने के लिए भी डबिंग करनी है, सब बैठे हैं, बोनी कपूर, जावेद अख्तर और कविता जी ने गीत लिखना शुरू किया, जावेद साहब ने गीत लिखवाना शुरू किया। कहा जी हुआ हुआ, फिर असी तुसी लस्सी पीसी भी आया। और ये कविता जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं इतनी नर्वस हो गई, ये गीत ही है ना, और फिर मुंबासा भी आया। अब कट टू, अगले दिन रिकॉर्डिंग है, 40 कोरस और कम से कम 100 म्यूजिशंस। जब रिहर्सल शुरू हुई तो शुरू करते ही सब म्यूजिशंस हंसने लगते, ये खुद भी हंसने लगती। प्यारेलाल जी ने सबको फिर खूब डांट लगाई और फिर कविता कहती हैं, बहुत सीरियसली मैंने ये गाना गाया और एक ही टेक भी ओके हुआ। तब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। अब 6 महीने गुजर गए और लक्ष्मी जी का एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा, ये गाना आपकी आवाज में ही फाइनलाइज हो गया है, मुबारक हो। अब ये खुश तो है मगर कह रही है, लेकिन लक्ष्मी जी मुझे फिर गाना पड़ेगा वो गाना, वैसे तो आप भी वापस नहीं गा सकती, मगर हुआ क्या। ये बोली, मुझे गाना ठीक करना है, उसमें एक वर्ड गलत गा दिया है। क्या? जहां कहना था जानू जो तुमने बात छुपाई, वहां पहली बार जब इस लाइन को गाया है तो कहा है जीनू जो तुमने बात छुपाई। दूसरी बात ठीक है, लक्ष्मी जी बोले, अब उस जी हुआ हुआ में लगेगा कि शायद गाना ही ऐसा है, किसी को पता नहीं चलेगा। गाना बहुत बड़ा हिट हुआ। इस गीत से कविता जी को प्लेबैक सिंगर के तौर पर पहचान मिली थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ इन्होंने फिर कई गीत गाए। पता है इनकी मुलाकात सबसे पहले हेमा मालिनी जी की माँ जया चक्रवर्ती ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से करवाई थी। कहा कि ये लड़की अच्छा गाती है, इसे मौका दे। कविता हेमा जी की कजन है, उन्होंने कविता जी को सुना, फिर बुलाया भी गीत की डबिंग के लिए, जिसे फिर बाद में लता जी गाने वाली थी। यहीं से इनकी कोलैबोरेशन हुई और वहां सुभाष घाई के साथ भी इनकी एसोसिएशन बहुत कामयाब रही। इनकी फिल्म्स में भी
म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का हुआ करता था। सबसे पहले फिल्म मेरी जंग के लिए गीत रिकॉर्ड हुआ, जिसे लता जी ने फिर बाद में डब किया था, लेकिन सुभाष घई ने कविता जी की ही आवाज़ में कुछ पोर्शन रखा, जिसे क्लाइमेक्स में फिर इस्तेमाल किया गया था। कविता जी बहुत खुश हुई थी इस बारे में बताते हुए कि मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्हें मेरी सिंगिंग पसंद आई। इसके बाद फिल्म कर्मा, सौदागर, परदेस, रामलखन, ताल, त्रिदेव, खलनायक, इनकी सब फिल्म्स में एक गीत कविता जी का ज़रूर होता और ज़्यादातर टाइटल सॉन्ग। मगर जाते जाते इनके एक फेवरेट गीत की बात करूं, तो वो है जिसे पंचम दाने को बोझ किया था, फिल्म 1942 ए लव स्टोरी, और इस गीत के लिए इनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्होंने जीता। गीत था चुप